गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हमने कर दी है नए दिन के साथ, नई सुबह से। और अभी सुबह के बज रहे हैं, 9 बजने वाला है। और काम आज ना, मैं जल्दी तो उठ गई थी, काम बहुत लेट से चल रहा है। जिस दिन ये दोनों साथ में उठ जाएंगे ना, उस दिन और लेट मेरा काम हो जाता है। क्या करना है? ये इसको किसी खिलौने में मिली है सीटी, तो ये ढक्कन खोलने वाला भी है इसमें सिस्टम। ये बंकर बंदा, सीटी भी बजती है, ये बजा नहीं पा रहा है, इसको खोल के वो कर दे रहा है। रुको एक मिनट, ऐसे करके बजती है, बजाओ, थोड़ा पीछे को बजाओ, नहीं बजा पा रही, रुक जाओ मैं बता देती नहीं बज पाएगी आपसे, ऐसे करके इसको ना खुला रखना है इसको ऐसे। अभी सिखाते, रुक जाओ, ये सिखा देगा। जब तक ये सीखेगा नहीं, तब तक ये मेरे पीछे पड़ा रहेगा, मम्मी कर दो कर दो कर दो, मुझे इसको सिखाना पड़ेगा। तो मैं इसको सिखा देती हूँ, तब तक आप लोग वीडियो में बने रहना। दिन भर में जो भी होगा आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। बजा मम्मी का मुंह बन रहा है, बजाओ ना मम्मी का। अरे वाह, वेरी गुड, शिवान सीख गया है सीटी बजाना और नौटंकी काट रही मेरे साथ। अच्छे से बजाओ। अरे जान बच के कर रहा गंदा लड़का, पकड़ अपनी सीटी, लो पकड़ना, नहीं करना। सीटी का ये तोड़ भी दिया इसने, अभी अभी बस इसके ना हाथ में कुछ चीज आनी चाहिए और वो टूटे ना, कभी ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ, तो ये आने से टूट गई। पुंची मत कर बेटा, थोड़ी देर खेलने के लिए काम तो आएगी, वो तोड़ दी इसने, ऐसा ही करता है ये। आपसे नहीं लाएंगे कभी, कुछ नहीं लेंगे आपके लिए, बहुत ये बैड बॉय है ना, या गंदा बच्चा है ये। शिवांश गंदा है ना, शिवांश गंदा है। हाँ शिवांश, आप गंदे हो, देखो आप गंदे हो ना, आप गंदे गंदे हो, गंदे अच्छे नहीं हो, अच्छे है, हाँ? गंदा है, अच्छा है। मेरे को तो अच्छा नहीं लगता इसी वांच, अच्छा। मेरी शानवी बहुत अच्छी है, अच्छा। मतलब मेरी दिव्यांशी जो अच्छी बोला तो गंदी बोलेगा, आपको गंदा बोला तो खुद को अच्छा बताता है। जा बेटा चादर लेके आ, तो जा शिवांश, जो उठाओ मैं बच्चा लेके आ चादर। अबे तकिया नहीं, चादर चादर वो वहां पे रखी है, चादर जाओ, ये पिलो है बेटा। हाँ शाबाश, वो रखी है चादर, हिंदी में बोले तो चादर, इंग्लिश में बोले तो बेडशीट। क्या लेंगे? हिंदी में बोले तो चादर, चादर बोलो, चादर हैं? ऐसे फेंक रहे हो कटुआ, दूर दांत काट रहा है, दांत काटेगा मम्मी को। हाँ हाँ हाँ, बहन को नहीं, मम्मी के साथ चल सकता है मजाक, बहनी के साथ नहीं, हम झेल नहीं सकते हम झेल नहीं सकते बहनी के साथ मजाक। अब बोलो कालिया, अरे गिर जाएगा गिर जाएगा, हो गया बस आज के लिए बस इतना ही, रुको रुको। अभी शिवांश रेडी हो गया है और ये जा रहा है हॉस्पिटल। क्यों जा रहा है हॉस्पिटल वो मैं आपको बताती हूँ। और सामने कैसे देख रही है वो सोच रही है मम्मी कर क्या रही है, कभी इधर देख रही है कभी उधर देख रही है, उदास हो गई वो, दादा को तैयार कर दिया है करके। क्यों ये उदास? अब थोड़ा थोड़ा समझने लगी है, छत में ले जाते हैं तो छत में भी ऐसे करती है, क्या बोलते हैं ये लोग जाते तो रोने लग जाती है, तो इसको भी ले जाना पड़ता है हमें साथ में। और शिवांश इसलिए जा रहा है हॉस्पिटल, आज का वैक्सीनेशन डे है। अभी घर जा रहे थे तो घर जाने से पहले हम सोचे थे लगा देते हैं, फिर हमने सोचा कहाँ लगाएं, कहीं फीवर वगैरह आ गया जाते समय परेशानी हो जाएगी। और एक दिन पहले पड़ रहा था सैटरडे, वो मतलब फ्राइडे, फ्राइडे को लग रहा है ये इंजेक्शन, आज भी फ्राइडे है
तो आज ये बचने वाला नहीं है, हमेशा बचते बचते आया, आज नहीं बचने वाला ये, आज लग ही जाना है इसको इंजेक्शन, और घर आके देखते हैं इसका क्या रिएक्शन होता है। और इसको पता नहीं है मेरे को इंजेक्शन लगने वाला और इंजेक्शन लगने के बाद क्या होता है, क्योंकि इसको छोटे में लगा हुआ है और अब बड़ा हो गया ये, तो अब इसको फील होगा कि कैसा होता है। पिछले बार जब ले गए थे इसके पापा तो इसका नंबर आने ही वाला था, तो नर्स ने बोला कि अभी इसको मतलब जुकाम लगा था, तो अगले बार लगाना जब इसको ठीक हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा बढ़ सकता है, चांसेस हैं। तो तब ये बस मतलब लगते लगते बचा था इतना सा, तो ये बोल रहे थे बच्चों को लगते हुए देखा इसने, ये पीछे भागने लग गया था। तो आज देखते हैं आज लग जाएगा तो क्या होगा इसका हाल। अभी इसके पापा आने वाले हैं, ये देखें इनके हालात ये हैं। पापा आए नहीं हैं, बोर हो रहा हूँ करके फ़ोन मांगा, दूसरी भी लग गई है साथ में दादा को देखने के लिए, फ़ोन चल रहा था ये भी चुप रह जाती है उसके साथ, फ़ोन छीन रही है तो वो गुस्सा हो जा रहा है, क्यों छीन रही है बोल रहा है, पूछ नहीं ऐसा नहीं करते बेनी के साथ। इधर देखो एक बार, क्या कर रहे हो, शॉर्ट्स को पोयम बोलता है। मेरा दिन का लंच बन गया है, लंच में मैंने क्या बनाया है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और शिवांश आज फिर से बच गया, आज उसको फिर से वैक्सीन नहीं लगी, लगते लगते बच गया। इसके पापा जैसे घर आए, मैं तैयार करके बिल्कुल फिट करके बैठाया था, वैसे इसके पापा ने बोला आज फिर से बच गया बेटा, तो अब अगले शुक्रवार तेरा नंबर है, पता नहीं कब आने वाला है वो दिन। और उन पापा बेटे की मस्ती चल रही है वहाँ, और शिवांश बोल रहा है मम्मा दूध भात खाना है, खीर भात उसको वो पसंद है, और साथ में तो सो गई वो, उसको भी वही पसंद है, थोड़ा महीन करके खिलाती हूँ मैं उसको, तो वो तो सो गई है। तो मैंने लंच में क्या बनाया मैं आपको दिखाती हूँ, और पसीना इतना हो गया ना मुझे। आज लंच में बनाया है छोले और चावल, ये छोले की सब्जी है, मतलब छोले ही हैं, काले वाले छोले बनाए हैं, वो भी सुबह बनाए थे मैंने ब्रेकफास्ट में, तो मैंने सोचा दिन के लिए भी बना लूँगी, तो सुबह बनाए हैं छोले और दिन के लिए भी हो गए हैं, और बहुत टेस्टी बने थे, इनको बहुत अच्छे लगे, पर इनको बनाने में ना बहुत टाइम लगा मुझे, और जब कुछ चीज़ अच्छी बनानी हो तो उसको खूब मेहनत करके बनाना पड़ता है, तब जाके स्वाद बनती है। इनको मसाले वाली चाहिए थी तो मैंने मसाले वाली बनाई हुई है ये छोले। ब्लॉग की एंडिंग भी कर देती हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, एंड कमेंट करके बताना कि हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।